यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी पर बीएसपी की क्या प्रतिक्रिया है उसके संबंध में बीएसपी का ये कहना है कि यहाँ विशाल आबादी वाले अपने भारत देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी व बौद्ध आदि इन विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं जिनके हर मामले में रहन सहन व जीवन शैली आदि के अपने अलग अलग से तौर तरीके नियम एवं रस्म रिवाजें हैं जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये बात भी काफी हद तक सोचने वाली है कि यदि यहाँ सभी धर्मों के मानने वाले लोगों पर हर मामले में एक समान कानून लागू होता है तो उससे देश कमजोर नहीं बल्कि मजबूती होगा, साथ ही लोगों में आपसी सांप्रदायिक सद्भाव व भाईचारा आदि भी पैदा होगा। ये बात भी कई हद तक सही है जिसे खास ध्यान में रखकर ही भारतीय संविधान की धारा 44 में समान सिविल संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को बनाने पर प्रयास वर्णित है, उसका जिक्र किया गया है। लेकिन इसे जबरन थोपने का प्रावधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान में निहित नहीं है और इसके लिए जागरूकता व आम सहमति को श्रेष्ठ माना गया है, जिस पर अमल न करके अब इसकी आड़ में संकीर्ण स्वार्थ की राजनीति करना देश हित में सही नहीं है जो इस समय की जा रही है। क्योंकि संविधान की धारा 44 में तो समान सिविल संहिता बनाने का प्रयास तो वर्णित है लेकिन इसे थोपने का नहीं, इसलिए इन सब बातों को खास ध्यान में रखकर ही तब फिर बीजेपी को देश में यूसीसी को लागू करने के लिए कोई कदम उठाना चाहिए था। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमारी पार्टी समान सिविल संहिता यानी कि यूसीसी को लागू करने के विरुद्ध नहीं है बल्कि भाजपा व इनकी सरकार के इसको देश में लागू करने के तौर तरीकों से सहमत नहीं है। जिसमें सर्वधर्म हिताय व सर्वधर्म सुखाय की नहीं बल्कि इसकी आड़ में इनकी संकीर्ण स्वार्थ की राजनीति ज्यादा देखने को मिल रही है जो उचित नहीं है, जबकि इससे ऊपर उठकर तब सरकार को इसे लागू करना चाहिए तथा ना ही इसमें कोई धार्मिक पक्षपात होना चाहिए। और यदि भाजपा सरकार ऐसा कुछ करती है तो तब फिर हमारी पार्टी इस मामले में अपना कोई सकारात्मक रुख अपनाएगी, वरना हमारी पार्टी इसका विरोध करेगी। जबकि देश व जनहित में सही तो ये होगा कि इस समय सरकार को अति महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, सुख शांति, समृद्धि जैसी बुनियादी जरूरतों के अभाव से त्रस्त व पीड़ित करोड़ों मेहनतकश व मजलूम देशवासियों के दुख दर्द पर से ध्यान बांटने में समय संसाधन व ऊर्जा
बर्बाद करने के बजाय उनसे मुक्ति पाने पर ध्यान देना चाहिए। जिन समस्याओं से ये लोग, देश की आम जनता त्रस्त है, पीड़ित है, दुखी है, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं जा रहा है। इससे ऐसा लगता है कि बीजेपी व इनकी सरकार तो इन अपनी इन सब कमियों पर से देश की जनता का ध्यान बांटने के लिए, तो ये आम चर्चा है कि अब ये लोग ये समान कानून बनाने की बात कर रहे हैं कि वो सब पर लागू हो। ये लोग जो है ये बात कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए और सभी धर्मों पर एक जैसा वो लागू हो। तो इससे कुछ ये भी आम चर्चा है लोगों में कि जो इस समय जो प्रमुख समस्याएं हैं जिनका मैंने जिक्र किया है, तो उसकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। इससे लोगों में आम चर्चा है कि अपनी इन कमियों पर जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, बांटने के लिए ये लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं कि इसको लाया जाएगा। तो लेकिन मैंने बताया कि हमको इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखकर चलना चाहिए कि अपने देश में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, उनके अपने रस्म रिवाज है, उनकी अपनी कार्यशैली है, जन्म से लेकर मृत्यु तक उनके अपने अलग से तौर तरीके हैं। तो जब ये कानून बनाए, इन सब चीजों को भी इनको ध्यान में रखकर चलना चाहिए। तो ये भी मेरा इनको ये कहना है, बीजेपी को, इनकी केंद्र की सरकार को। इस खास सलाह के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।